यह है न्यू जेम्स इंग्लिश रत्ना सागर की एक पोएम, आई रिमेम्बर यानी मुझे याद है, मुझे याद है। और ये लिखी हुई है थॉमस हुड ने। इसमें पोइट जो है अपने बचपन की यादों को अपने जवानी की यादों से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे उनके बचपन की जो यादें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो ये कहते हैं आई रिमेम्बर मुझे याद है, मुझे याद है। द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न वो घर जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग एट मॉर्न, मॉर्न मतलब मॉर्निंग यानी वो छोटी सी खिड़की जब सुबह के समय सूरज की रोशनी झांकती हुई मेरे घर के अंदर आती थी। ही नेवर केम अ विंक टू सून मतलब कि वो बहुत ही जल्दी नहीं आता था, सूरज की बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही जल्दी नहीं आता था। नोर ब्रोथ टू लॉन्ग अ डे यानी दिन को भी बड़ा लेकर नहीं आता था, कि उस समय जो उनका दिन था वो भी बड़ा नहीं होता था, क्योंकि पोइट जो है उस समय बचपन को इंजॉय करते थे और उन्हें नहीं पता होता था कि कैसे दिन बीत गया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो सूरज जो है उस समय बड़े दिन लेकर भी नहीं आता था। बट नाउ आई ऑफ्टन विश द नाइट आई हैड ब्रोन माई ब्रीथ अवे पर अब वो इच्छा कर रहे हैं कि काश वो रात उसकी सांसें ले जाती, यानी वो डेथ की इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वो अडल्टहुड में आ चुके हैं तो उन्हें इतना पेन हो रहा है कि वो विश कर रहे हैं कि उनकी डेथ हो जाए। आई रिमेंबर मुझे याद है, मुझे याद है। द रोसिस रेड एंड वाइट वो रोसिस जो रेड और वाइट कलर के थे। द वायलेट एंड द लिली कप्स ये भी फ्लावर्स हैं। दोस फ्लावर मेड ऑफ लाइट जो कि लाइट से यानी रोशनी से बने हुए थे। मेड ऑफ लाइट को यहाँ पे कंपेयर किया है ब्यूटीफुल से यानी सुंदर फूलों के बारे में बात कर रहे हैं। द लिलैक्स वेयर द रॉबिन बोल्ट लिलैक्स एक ट्री होता है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे रोबिन का वर्ड यूज़ हुआ है। रोबिन एक पक्षी होता है, तो ये कह रहे हैं वो लिलैक्स का पेड़ मुझे याद है जहाँ पर रोबिन एक पक्षी अपना घोंसला बनाता था। एंड वेयर माई ब्रदर सैट और जहाँ मेरा भाई बैठता था और उसने अपने बर्थडे पर एक लेबनम का ट्री भी लगाया था। तो लेबनम का ट्री भी एक ट्री है जिसमें फ्लावर्स लगते हैं ब्रांचेस पे। द ट्री इज लिविंग येट यानी कि जो ट्री है वो अभी तक जिंदा है। नेक्स्ट पैराग्राफ आई रिमेंबर मुझे याद है, मुझे याद है। वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग कि वो जगह जहाँ पर मैं झूला करता था। एंड थ्रो द एयर मस्ट रस एस फ्रेश टू स्वेलो ऑन इट्स विंग यानी मुझे याद है वो हवा के झोंके जो मेरे चेहरे से टकराती थी, वो फ्रेश हवाओं के झोंके जो कि पंखों की तरह मुझे उड़ाकर ले जाते थे। द स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन मेरी जो स्पिरिट है मेरी आत्मा है वो पंखों पर उड़ती थी यानी मैं बहुत ही हल्का महसूस करता था, मेरे अंदर कोई भी टेंशन या फिर कोई भी दर्द नहीं था। दे इज नो सो हैवी नाउ पर अब भारी हो चुकी है वो मेरी अंदरूनी आत्मा क्योंकि टेंशन और डिप्रेशन ये सब चीज़ उसको घेर लिया इन चीज़ों ने उसकी यंग एज मरा कर। एंड समर पूल कुड हार्डली कूल जो समर पूल होते थे बचपन में वो समर पूल में शायद नहाता होगा पूल्स में जाकर जो शरीर को ठंडा कर दे, पर ये समर पूल अब उसको जो माथे पर जो फीवर है यानी उसके जो टेंशन है डिप्रेशन है उसको भी ठंडा नहीं कर सकते। आई रिमेंबर मुझे याद है, मुझे याद है। द फिर ट्री ड्रार फिर ट्री एक ट्री होता है जो आपने क्रिसमस में देखा होगा, तो उसी तरीके का एक फिर ट्री है उस ट्री को मैं याद करता हूँ जो बहुत ही डार्क था और बहुत ही हाई था मतलब उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस थी बड़ा ऊंचा था वो। आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स मैं उसकी स्लेंडर उसकी जो ऊंची वाली जो चोटी है उसको उसके बारे में सोचा करता था। वी वेयर क्लोज अगेन द स्काई जो कि आसमान तक पहुँचा करती थी। इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस ये शायद मेरी बचपन की नादानी थी बट दिस लिटिल जॉय पर इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती थी। टू नो दैट आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवर दैट्स वेन आई वॉज अ बॉय जब मैं छोटा बच्चा था मैं सोचता था कि मैं बस स्वर्ग से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं अपने आप को मतलब मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मासूम था जब मैं छोटा बच्चा था, पर अब मैं अडल्ट हो चुका हूँ मेरे अंदर अब ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। इस तरीके से उन्होंने अपने चाइल्डिश बचपन को अपने अडल्टहुड से कंपेयर किया है और कैसे बताया है कि कैसे उनका बचपन अच्छा था और अब बचपन उनका बचपन मतलब अब जो यंग एज आई है उसमें कैसा उनका जीवन अब बदल चुका है, ठीक है। तो ये पोयम यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपको पोयम अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके हाँ इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
सॉरी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कर आप उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टरों के आंसर विद सभी चैप्टरों के एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, वहां से आप सभी चैप्टर को देख सकते हैं और सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।